तेलुगु फिल्म द फैमिली जोकर स्टारिंग विजय देवरकोंडा एंड मृणाल ठाकुर देखकर रिव्यू करने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ। देखो मेरे को तेलुगु ऑडियंस का सबसे अच्छा चीज ये लगता है कि ये लोग बड़ी और छोटी फिल्म में ज्यादा डिफरेंस नहीं रखते। वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव निकला तो चुपचाप जाकर देखकर उसको सक्सेस कर देते हैं। भाई छोटी छोटी फिल्म इतनी पॉपुलर हो गई वहां पर कि भाई सलाम है इनके ऑडियंस को। वही पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का खेल अपने यहाँ पर थोड़ा सा खत्म सा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कि इनको बड़े हीरो फंकी चीजें पॉपुलर गाने वगैरह ही चाहिए तभी जाकर ये लोग देखने जाते थिएटर में। आप रिसेंट एग्जाम्पल ही ले लो, बताओ मडगांव एक्सप्रेस जैसे एक्सीलेंट फिल्म को 10 करोड़ कमाने के लिए पूरा एक हफ्ता लग गया, वही क्रू जैसी एवरेज फिल्म ने 10 करोड़ एक ही दिन में कमा ली। एनीवेज अब जैसा मैंने कहा ना कि तेलुगु ऑडियंस को अच्छी फिल्म से मतलब है, फिर चाहे उस फिल्म की हाइप हो या ना हो। बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर मैं द फैमिली जोकर को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि इस फिल्म का हाइप भी नहीं है, रिव्यू भी नहीं है, प्लस फिल्म पूरी कोशिश करती है गीता गोविंदम बनने की लेकिन बन के निकलती है वर्ल्ड फेमस लवर। सबसे पहले को इस फिल्म के मेकर्स को अच्छी तरह से मिडिल क्लास का मतलब समझाना चाहिए, क्योंकि फिल्म के अंदर जितना मिडिल क्लास के प्रॉब्लम्स नहीं दिखा रहे, हमें फील नहीं करा रहे, उससे ज्यादा तो ये लोग गुणगान करा दे रहे कि ये संभाल लेता है, वो संभाल लेता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, अरे गांडू है वो, अरे भाई मिडिल क्लास के घर में सनस्क्रीन भी एसपीएफ 25 से ज्यादा नहीं रहता और तुम यहाँ पर लाखों करोड़ों कमा के दिखा के कुछ अलग ही गंजी धोना सुना रहे हो। फिल्म अच्छा खासा शुरू होती है अपनी बच्चों से, लेकिन फिर जब सेकंड हाफ का बेसलेस स्टोरी लाइन आता है वो देखकर आप समझ जाओगे कि मेकर्स ने फिल्म को नहीं ऑडियंस को ही बकचोद समझ लिया। यार इतनी रूटीन स्टोरी की इससे अच्छा आप विजय देवरकोंडा का इंटरव्यू झेल लो। फिल्म की अच्छी बात ये है कि पूरे फिल्म को देखने के दौरान आपका पूरा ध्यान विजय देवरकोंडा के शर्ट की फिटिंग पे जाएगा और दूसरा ध्यान मृणाल ठाकुर के ब्यूटी पे जाएगा। बंदी की जादूगर स्क्रीन प्रेजेंस ने मानो मेरा सबटाइटल से ध्यान भटका दिया। ऐसी ब्यूटी के लिए तो मैं भी दिल्ली की सड़कों पे वड़ा पाव बेचने के लिए तैयार हूं, बस मेरे को वायरल कर दो। वही विजय देवरकोंडा लेटेस्ट इंटरव्यू में कहे थे कि भाई मैं कोई भी डेब्यू डायरेक्टर के साथ काम नहीं करूंगा। अरे मेरे भाई साहब, वर्ल्ड फेमस लवर, लाइगर और ये फिल्म के बाद तो खुद डेब्यू डायरेक्टर आपके साथ काम नहीं करेंगे। ऊपर से फिल्म के स्टार्ट में लिखा है स्पेशल थैंक्स टू रश्मिका मंदाना, क्योंकि उनके बिना फिल्म चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पूरे फिल्म की स्टोरी को अगर साइड में रखोगे तो ऑडियंस भी साइड ही हो जाएगी। मतलब विजय देवरकोंडा पूरे फिल्म में एकदम छावा दिखते, सेकंड हाफ में वो थोड़ा ओवर एक्टिंग भी करते, लेकिन उनका वो जो डांस था भाई साहब, फिल्म देखने के बाद ऑडियंस का डांस स्टेप चेंज हो जाएगा। डायरेक्टर परशुराम पेटला आफ्टर गिविंग एवरेज सरकारू वारी पार्ट ऑफ फिल्म, ये वाली तो भाई उससे भी ज्यादा एवरेज है। सेकंड हाफ तो बैरेबल ही नहीं है। मेरा बस चलता तो मैं इंटरवल पे एंड क्रेडिट लगा दिया होता तो वो तो मृणाल ठाकुर के स्माइल ने रोक के रख दिया था। वहीं फिल्म के अंदर सिद्ध श्रीराम का वो नंदा नंदना वाला सॉन्ग अच्छा है, बाकी डायलॉग्स एंड एक्शन भाई क्या था वो। यार ये फिल्म को देख के आप बोल दो कि अगर मेरे मिडिल क्लास फैमिली में कोई ऐसा बकलोली करेगा ना तो मैं भीख मांगना पसंद करूंगा। वहीं मैंने सुना है कि 2 हफ्ते बाद हिंदी में भी रिलीज होने वाली है। भाई पहले तेलुगु में तो चंदा जमा कर लो, ये बहुत फिल्म है। So overall, कैसा लगा? बाकी भाई बहुत लंबा ट्रेवल करके आओ, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, मिलते अगले वीडियो में। फिल्म के अंदर ऐसा दिखाया है कि मिडिल क्लास बार बार 23 रुपए का पेट्रोल भरता है। अरे भाई पहले तो उस पेट्रोल पंप वाले को मारो जो 23 रुपए का पेट्रोल भरा के देता है, और मिडिल क्लास है भाई मदर